मूवी स्टार्ट होती है तो दिखाते हैं कि एक लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई और परेशान होती है और वो कहती है कि पुलिस मुझे मत मारो और खुद को वो फांसी लगा लेती है। तभी मूवी में एक सिडनी नाम की लड़की दिखाते हैं, वो अंधी होती है। जब 5 साल की थी तब उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, वो बस चीजों को अपनी सिक्स सेंस के द्वारा महसूस कर सकती है। अगले दिन उसकी आंखों का ऑपरेशन होता है। डॉक्टर उसके पास आता है, कहता है कि तुम कल अपने ऑपरेशन के लिए रेडी हो। वो कहती है मैं बहुत नर्वस हूँ। डॉक्टर कहता है तुम घबराओ मत, ऑपरेशन बिल्कुल ठीक होगा। और अगले दिन उसका ऑपरेशन हो जाता है और उसके पास एक एलिसिया नाम की लड़की आती है। वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो बताती है कि उसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है। तभी वहाँ पर नर्स उसे लेने आ जाती है, वो वहाँ से भाग जाती है। वहाँ डॉक्टर आता है और सिडनी की आंखें की पट्टी एक एक करके खोल रहा होता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, और वो मना कर देती है। वो उसकी हेल्प करता है देखने में, पर उसे थोड़ा थोड़ा धुंधला सा दिखाई देता है और वो काफी घबरा जाती है। तब डॉक्टर कहता है ये सब नॉर्मल है, शुरू में ऐसा ही होता है, और उसे रेस्ट करने को कहता है। आधी रात को वो देखती है जो लेडी उसके बेड के पास लेटी थी वो उड़ के जा रही होती है। सिडनी उसका पीछा कर उसे आवाज मार रही होती है पर वो नहीं सुनती। कोई भूत प्रेत जैसी चीजें उसे लेने आ जाती है और सिडनी घबरा कर सो जाती है। नेक्स्ट डे वो उठती है तो वो नर्स से उस लेडी के बारे में पूछती है। नर्स बताती है कि वो तो कल रात को ही मर गई और वो हैरान हो जाती है। वहाँ वो डॉक्टर आकर उसकी आंखें फिर से चेक करता है पर अभी भी उसको कुछ ठीक से साफ नहीं दिखता। वो डॉक्टर कहता है ऐसा ही होता है, डरने की कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हें डॉक्टर पॉल के पास भेजूंगा, वो देखने में तुम्हारी मदद करेंगे, फिर तुम बिल्कुल अच्छी तरह से देख पाओगी। और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। उसकी बहन उसे अपने साथ ले जा रही होती है। तभी वहाँ वो बच्ची एलिसिया फिर से आ जाती है और उसके साथ अपनी एक फोटो खिंचवाती है और उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। सिडनी भी घर आ जाती है। वहाँ पर काफी सारे लोग उसका घर पर वेट कर रहे होते हैं। वो सब लोग सिडनी को देखकर बहुत खुश होते हैं पर सिडनी इतने सारे लोगों को देख परेशान हो रही होती है। वो एक रूम में रेस्ट करने जाती है और उसे उस रात को सपने में बहुत अजीब चीजें नजर आती है जिस कारण वो बहुत परेशान भी होती है। वो नेक्स्ट डे डॉक्टर पॉल के पास जाती है और उनसे वो सब प्रॉब्लम की बात करती है पर डॉक्टर पॉल कहता है ये सब तुम्हारे मन का वहम है, तुमने अभी तक बाहर की दुनिया नहीं देखी इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। वो उसकी थेरेपी करना शुरू कर देते हैं और उसे काफी कुछ नजर आने लगता है। वो अपने अपार्टमेंट में जा रही होती है तो उसे अपनी बिल्डिंग में एक बच्चा दिखाई देता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरा रिपोर्ट कार्ड देखा, वो खो गया है, मेरे पापा मुझे बहुत मारेंगे, वो मना कर देती है। तभी वो बच्चा भी गायब हो जाता है। वो अपने रूम में जाती है सोने के लिए। उसे भूत प्रेत और आग लगने जैसी चीजें दिखाई देती है जिस कारण वो नेक्स्ट डे अपने म्यूजिक पर ध्यान नहीं दे पाती। वो अपने म्यूजिशियन के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ एक भूतिया लेडी उस पर अटैक कर देती है। वो पीछे गिर जाती है, वो डर के चली जाती है। ये सब डॉक्टर को बताती है कि ऑपरेशन के बाद उसे ये सब चीजें दिखाई देती है पर डॉक्टर कहता है ये सब तुम्हारा बस वहम है। वो डॉक्टर से लड़कर चली जाती है। सिडनी टीवी देख रही होती है, उसे घर में आग लगना, लोगों का जिंदा जलना ये सब दिखाई देता है। वो डर के बाहर भाग चली जाती है। तभी एक लड़की उसकी बॉडी से आर पार होकर निकल जाती है। वो शॉक्ड हो जाती है। वो थोड़ी आगे जाकर देखती है कि वो लड़की कार एक्सीडेंट में मरी होती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो एक प्रेत आत्मा उसे ले जा रही होती है। वो डर के एक चाइनीज रेस्टोरेंट में जाकर डॉक्टर पॉल को कॉल करती है। पॉल को वहाँ बुलाती है, वहाँ भी उसे रेस्टोरेंट में आग लग जाती है। वो डॉक्टर पॉल को ये सब बताती है। डॉक्टर पॉल कहता है यहाँ 5 दिन पहले आग लगी थी, तुम ये क्या कह रही हो। वो फिर से उससे लड़के चली जाती है। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है उसे वही बच्चा दिखाई देता है। वो उससे रिपोर्ट कार्ड के बारे में पूछता है। वो उससे डर के भागती है। तभी वो बच्चा उसी के सामने सुसाइड कर रहा होता है और वो उसे बचाने जाती है पर वो कूद जाता है। उसे बचाने के चक्कर में सिडनी को चोट लग जाती है और वो डर के अपने रूम में अंधेरा कर सो जाती है। नेक्स्ट डे वो डॉक्टर उसके घर आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा चेक करूंगा ये सब क्या हो रहा है।
है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। उसे वो एक रात रुकने को कहता है। रात को वहाँ वो बच्ची एलिसिया दोबारा आती है। वो सिडनी से कहती है कि मेरे माइंड में से एक स्टोन निकल गया है। तभी वहाँ एक प्रेत आत्मा आती है, वो बच्ची को साथ ले जाती है। सिडनी ये सब देख डर जाती है। अगले दिन सिडनी की सिस्टर उसे लेने आती है। वो एलिसिया की माँ दोबारा भेजी गई फोटो को उसे दिखाती है, पर वो कहती है ये कौन है। उसकी सिस्टर कहती है कि ये तुम हो, तुम ऐसी दिखती हो। वो शॉक्ड होकर खुद को शीशे में देखती है और कहती है कि मैं ऐसी नहीं दिखती, अगर मैं ऐसी दिखती हूँ तो ये शीशे में कौन है। तभी वो डॉक्टर से कहती है कि मुझे पता हो कि मुझे किसकी आंखें मिली है, पर वो बताने से मना कर देता है। वो कहता है कि ये हॉस्पिटल के नियमों के विरुद्ध है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। वो फिर से लड़के चली जाती है और अगले दिन फिर से वो डॉक्टर उसके पास आता है और उसे बताता है कि मैक्सिको सिटी में एक लड़की थी, उसने तुम्हें ये आंखें दी है। वो लोग वहाँ सिटी के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जाकर वो लोग उसकी माँ से पूछताछ करते हैं। उसकी माँ बताती है कि उसकी लड़की को भी ये सब चीजें दिखाई देती थी, जिस कारण वो घर पर ही रहती थी। तभी उस लड़की की माँ को अटैक आ जाता है। डॉक्टर पॉल उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और सिडनी को वहाँ उस लड़की के साथ क्या हुआ वो सब दिखाई देता है। उसे दिखाई देता है कि वो अपने फादर से कहती है कि यहाँ आग लगने वाली है, पर कोई उसका ट्रस्ट नहीं करता। वो लोग उसे उस कमरे से बाहर भेज देते हैं और कुछ समय बाद वहाँ आग लग जाती है। वो उन सबको नहीं बचा पाती, जिससे दुखी होकर वो लटक कर खुद को फांसी लगा लेती है। अब डॉक्टर पॉल भी वहाँ आ जाता है। वो सिडनी को वापस ले जाता है और वो लोग वापस जा रहे होते हैं। तभी वो लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं, जहाँ सिडनी को एहसास होता है कि यहाँ भी ब्लास्ट होने वाला है और आग लगने वाली है। वो पॉल को कहती है प्लीज मेरे पर एक बार ट्रस्ट करो, यहाँ आग लगने वाली है, सभी गाड़ियाँ यहाँ से खाली कराओ। और वो लोग गाड़ियाँ खाली कराने लग जाते हैं। इतने में वहाँ जोरदार ब्लास्ट होता है। सिडनी एक बच्ची को बचाने लग जाती है, जिस कारण उसकी आंखों की रोशनी फिर से चली जाती है। पर वो अब खुश होती है, क्योंकि उस लड़की ने जिस दुख के कारण सुसाइड की थी वो उस टाइम को सबको बचा नहीं पाई, अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आप ऐसे ही मूवी की हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।